भारतीय किसान संघ ने नीमच कलेक्ट्रेट में अफीम नीति में संशोधन के संबंध में दिया ज्ञापन। सोमवार प्राप्त जानकारी के अनुसार आज बड़ी संख्या में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन नायब तहसीलदार मोनिका जैन को दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से भारतीय किसान संघ ने वित्त मंत्री से अफीम नीति में संशोधन की मांग की है, साथ ही इस संबंधित बिंदुवार संशोधनों और समस्याओं से अवगत कराया गया। भारतीय किसान संघ का कहना है कि अफीम नीति इस तरह से बनाई जाए कि वह किसान हितेशी हो और किसानों को उनकी मेहनत का पूरा पारिश्रमिक मिले। इस दौरान नीमच जिले के विभिन्न स्थानों से आए अधिकारी और भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रतिवर्ष अफीम नीति जो घोषित होती है, उसमें कहीं ना कहीं किसानों के पक्ष में नीति घोषित नहीं होकर एक पक्षीय नीति घोषित होती है। तो भारतीय किसान संघ जिला नीमच आज जो ज्ञापन दिया है, उसमें हम भारत सरकार से यही मांग करते हैं कि जो किसान अफीम नीति जो बनाई जाती है वो किसान हित में हो, क्योंकि कई ऐसी विसंगतियां अफीम नीति में है जो किसानों को लिए मतलब एक तरह से परेशानी करने वाली बातें हैं, क्योंकि किसानों को बेवजह परेशान किया जाता है या किसानों को भ्रष्टाचार देने के लिए मजबूर करते हैं, ऐसी नीति बनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि जो नीति बने वो किसान हित की बने। उसमें हमने जो बिंदु दिए हैं, उसमें पहला बिंदु हमारा ये है कि सरकार ने अभी विगत कुछ वर्षों से मार्फिन के आधार पर पट्टे जारी करना शुरू किया है, जो न्यायसंगत नहीं है। भारतीय किसान संघ ये चाहता है कि या तो औसत किसान का ठीक रहे या मार्फिन, दोनों में से एक चीज़ के आधार पर पट्टा जारी किया जाए, क्योंकि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार के पास या वैज्ञानिकों के पास ऐसा कोई आंकड़ा या तथ्य है या ऐसी कोई चीज़ है कि जिससे वो बता दे कि मार्फिन की मात्रा ऐसी खेती करने से ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये चीज़ जब वो खुद नहीं बता पाते हैं तो किसानों के ऊपर क्यों थोपा जा रहा है। क्योंकि मार्फिन की मात्रा पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर आधारित है, प्रकृति अगर स्थितियाँ विषम है या विपरीत है, मतलब सम है या विषम, दोनों स्थितियों में किसान के हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, तो मार्फिन की मात्रा जो थोपी जाती है वो गलत है। दूसरा, गत वर्ष सरकार ने एक प्रायोगिक तौर पर CPS पद्धति को लेकर आए हैं और कुछ किसानों को पट्टे दिए हैं, परंतु भारतीय किसान संघ ने पिछले वर्ष के अध्ययन के आधार पर हम ये कहते हैं कि जो CPS पद्धति लागू करने की सरकार की जो मंशा है, उसमें कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है। क्योंकि पिछले साल आप देखें तो जिन्होंने भी CPS पद्धति में अफीम या डोडे दिए हैं, उनको पोस्ता दाना बिल्कुल नाम मात्र मिला है, क्योंकि जब तक चीरा नहीं लगता है उसमें डोड़े में से अफीम नहीं निकलती है, पोस्ता की क्वालिटी अच्छी नहीं बन सकती है। साथ ही रोजगार की जहाँ बात आती है, तो अगर लुवाई चिराई करते हैं, एक पट्टे को लुवाई चिराई में लगभग 10-15-20 मजदूर लगते हैं, तो उन सबको रोजगार भी मिलता है, तो कहीं ना कहीं रोजगार का आनंद भी ये योजना लाती है। तो आज क्या मांग की आपने? आज हमने लगभग 20 सूत्रीय मांगे हैं और ऐसे सुझाव के लंबे चौड़े हमारे पूरे विषय हमने विस्तार से रखे हैं, और सरकार चाहे तो हमसे बातचीत करें, हम सुझाव देने के लिए तैयार। पूर्व में किसान, कई किसान संगठन जो है अफीम नीति को किसानों के पक्ष में नहीं बताते आ रहे हैं। भारतीय किसान संघ अब तक कहाँ गया था? और पूर्व में भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नीमच आने के बाद ही भारतीय किसान संघ अफीम किसानों के हित में आगे क्यों आए? ये जो आपने प्रश्न उठाया है, मैं इसको पूरी तरह से विरोध करता हूँ, क्योंकि भारतीय किसान संघ लगातार पूरे वर्ष अफीम का मुद्दा हम उठाते रहते हैं और संबंधित अधिकारी या संबंधित विभाग को हम पूरी तरह से इसको लेकर चर्चा